दबंगों ने युवक पर धारदार चाकू से किया कई बार वार, हुआ लहूलुहान। बड़ी खबर यूपी के शाहजहांपुर से आ रही है, जहां भाई ने भाई को जान से मार देने में कोई कसर नहीं रखी। मामला है थाना सदर बाजार इलाके के ग्राम शाहबाज नगर में। दबंग आमिर पुत्र वली मोहम्मद, शाहिद पुत्र वली मोहम्मद मोहल्ला जलाल नगर निकट एजड खान स्कूल के पास रहते हैं, जिनसे पुरानी रंजिश चल रही थी। बीते दिनों पहले करीब 4 बजे दबंग आमिर व शाहिद ने ईदगाह रोड महेश गौतम के स्कूल के पास उसको रोक लिया। पीड़ित अब्दुल हत्रान को घेर लिया, पीटना शुरू कर दिया। दबंग आमिर ने अपने साथ लाए नाजायज चाकू से जान से मारने की नीयत से कई बार वार किया, जिसे हत्रान चाकू के गले में लगा व लहूलुहान होकर गिर पड़ा। चीख पुकार पर राहगीरों के आ जाने पर मुश्किल हत्रान की जान बची, जिससे हनान का कहना है कि जब चौकी शाहबाद नगर में पुलिस से गुहार लगाए तो पुलिस ने हमसे 50,000 ले लिए, जिसमें मैंने अपनी बीवी के जेवरात गिरवी रख कर देना पड़ा। फिर भी पुलिस ने मामूली धाराओं में मुकदमा लिख कर मामले को रफा दफा कर दिया। यह पीड़ित मंत्री सुरेश कुमार खन्ना के पास पहुंचा, जिन्होंने आरोपी और रिश्वतखोर पुलिस पर शिकंजा कसने की बात कही। पड़ रहा है मुझे, मैं दिल्ली से आया था, मेरी 28 तारीख थी, 29 तारीख को गवाही थी मेरे से, उसके मैं शवन नगर गया, वहाँ मेरे मकान पे लिखा हुआ था मकान बिकाऊ, वली मोहम्मद लड़के ने शाह ने लिखा था, मैंने उस पर कहा था आपने क्यों लिखा, बोले फिर उसके बाद में हम चले जा रहे थे महेश गौतम प्रधान जी को जा रहे थे, और रास्ते में ईदगाह और महेश गौतम के बीच में मोहम्मद आमिर और शाह ने चाकू से हमला कर दिया। फिर मैंने दीवान जी फ़ोन करा, दीवान जी मुझे कौन दीवान जी हैं, दीवान जी चौकी के, शवन नगर चौकी के हैं। क्या नाम? नाम नहीं पता। हाँ तो फिर त्यागी थे और एक दीवान जी थे, त्यागी जी और दीवान जी लाल और प्रधान जी वहाँ पहुँचे, वहाँ से मुझे चौकी है शवन नगर चौकी, और महेश गौतम प्रधान जी को पहुँचे, वहाँ से मुझे जो लोग लेके आ रहा है मेडिकल करवाया, मेडिकल कराने के बाद मैंने एप्लीकेशन लगाई, उसके बाद में दूसरे तीसरे दिन हो गया, अब हमने क्या मुकदमा लिखी है, बोले लिख देंगे, तीसरे दिन मुझसे क्या मुकदमा इस तीनों साथ ऐसे नहीं लिखा जाता है, इसका खर्चा पड़ता है 50,000 रुपया, मेरी बीवी ने हार बेच के दिया। किसको दिया है? संतोष कुमार सिंह। ये कौन है? दरोगा जी और त्यागी सिपाही हैं। कौन सी चौकी? सवा नगर चौकी के। हाँ। उसके बाद में पैसा ले लिया 3 तारीख के बाद में हम दौड़ाते रहे मुझसे, क्या नाम, आपका मुकदमा लिखा जाएगा, आप घबराइए मत। कितना पैसा लिया है? 50,000। अच्छा। उसके बाद मुझे तोड़ाते 8 दिन हो गए, वो इंस्पेक्टर साहब ने, मैंने कहा मतलब ठीक है उसको मैं तड़पा रहा हूँ और आपका मुकदमा लिखा जाएगा, तो इसके बाद मैं 8 दिन हो गए, फिर कप्तान साहब के पेश हुआ, कप्तान साहब ने तुरंत फ़ोन करा क्या भाई इनका मुकदमा क्यों नहीं लिख रहे हैं, फिर उन्होंने मुकदमा लिखा 307 के बजाय 344 धारा लगाई उनके ऊपर। आपके चाकू किसने मारा है? मोहम्मद आमिर मोहम्मद शाह ने। कहाँ पे मारा? गर्दन में मारा, मोंढे में मारा और पीठ ही वहाँ मारा। तो मेडिकल हुआ था इसका? इसका मेडिकल है हुआ था। तो अब आप क्या चाह रहे हैं? अब फिर उसके बाद में शनिवार को सीसीटी में पेश हुआ था मैं, सीसीटी ने फ़ोन करा इंस्पेक्टर साहब को, उनका भाई इनका 307 क्यों नहीं लिख रहे और उनके वारंट काटिए, दरोगा जी मुझे उलझा रहे, मेरा कल मोबाइल ले लिया उसमें से उस पर लगा दिया और कोल्डिंग वोल्डिंग से मोबाइल लेके घंटे लिए रखे रहे, मुझे दरोगा जी उलझा रहे हैं, मुकदमा नहीं लिख रहे हैं। तो आज आप किसके पास आए हैं? आज मुख्यमंत्री कहने आए, सुरेश खन्ना मुख्यमंत्री जी कहने आया हूँ मैं आज फरियाद लेके, न्यायालय चाहिए मुझे, न्याय पाए हो सुरेश खन्ना मंत्री जी कहने। तो आप उनसे मिले हो अभी? नहीं मिलेंगे सर।